everyone. Welcome to UniSmart tutorial. So today I'm going to start exercise 1.2. But exercise 1.2 को start करने से पहले हमें ये सीखना होगा what are irrational numbers and what are real numbers. So सबसे हम पहले हम ये देखेंगे कि irrational numbers हमारे क्या होते हैं. So irrational numbers are those numbers that cannot be written in the form of p by q. Irrational numbers को हम p by q से represent नहीं करते हैं. So इसमें examples आ जाते हैं like root 2, root 5, pi. That is irrational numbers. अब इसके बाद आते हैं हमारे real numbers. Real numbers are those numbers that include whole numbers, natural numbers, integers, rational numbers and irrational numbers. Means real numbers is a bunch of all the numbers. Real numbers में सारे ही numbers आ जाते हैं. Like root 5, 2 divided by 3, minus 4, 70. So now I'm going to start the irrational number, how to make the number line of an irrational number. Suppose I have a number like root 2 और हमें से represent करना है एक number line पे. We have to make a number line of root 2. So root 2 के लिए number line पे बनाने के लिए हमें number line पे क्या बनाना होगा? एक right angle triangle. हमें create करना होगा एक right angle triangle number line पे. Suppose this point is A, this point is B and this is C. So here AC is a hypotenuse, AB is a point A suppose, is a perpendicular कहते हो, and BC is a base. It is represented as B. So by using Pythagoras theorem क्या होती है हमारी? Hypotenuse का square is equals to perpendicular का square plus base का square. So, मुझे इसे h का स्क्वायर बनाना है, मुझे हाइपोटेनस चाहिए. तो हाइपोटेनस कैसे आएगा? 2 कैसे लाऊंगी मैं? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर से. सो h स्क्वायर इज 1 प्लस 1 और यहाँ पे क्या हो गया 2 h स्क्वायर. स्क्वायर हटेगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा? अंडर रूट. सो हमारे h की वैल्यू क्या हो गई? रूट 2. नाउ वी विल क्रिएट अवर नंबर लाइन. अब हमें नंबर लाइन बनानी है. सो दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3. सो अब हमारे पास एच की वैल्यू क्या आई थी? रूट 2. तो हमें पता चल गया हमारा हाइपोटेनस है रूट 2. And value of A and B is, A की value क्या होती है हमारी? 1. And B की value भी क्या होती है हमारी? 1. तो अब हमें क्या जाना है? 0 से लेके 1 तक हमारा ये क्या हो गया? Base. फिर आपको क्या करना है? एक scale की help लेनी है. Scale की help लेके आपको 1 centimeter लेके आपने line बना ली. आप ये scale से करेंगे. उसके बाद आपको point 0 को join करना है by this point. So, अब इसे join कर दोगे with the help of a scale. So, this point is 1 and this is root 2. क्योंकि हमारा h क्या आया था? Root 2. So, इन points को हम name दे देते हैं as a, b and this is 0. So, I am representing it as c. So, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? अपना compass लेंगे और उसे अपने point c पे रख के उसे a तक open करेंगे. और आप एक आर्क लगा देंगे और आर्क आपकी इस तरीके से लगनी चाहिए कि वो फिर आपकी इस लाइन को नंबर लाइन को कट करे. जहां ये नंबर लाइन को कट करेगी सो दिस पॉइंट इज अवर रूट 2. सो ये आपकी हो गई नंबर लाइन ऑफ रूट 2. मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.2. दैट इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. अब हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है, हमें ये बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है एंड जस्टिफाई योर आंसर्स. सो फर्स्ट पार्ट इज एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. हमारे जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं. तो मैंने आपको बताया था रियल नंबर्स
are those numbers that includes rational numbers, irrational numbers, whole numbers, natural numbers, integers. Means real number is a bucket of all the numbers. So आप कह सकते हो कि every irrational number is a real number. हमारे जितने भी irrational number होते हैं वो हमारे real numbers होते हैं. So this is true. Moving forward to second part, that is every point on the number line is of the form root m. हमारे जितने भी points होते हैं number line पे वो root m की form में होते हैं. Where m is a natural number, जहाँ पे m natural number ही होता है. सपोज अगर मेरे पास नंबर है कोई नेगेटिव, नेगेटिव लाइक माइनस टू, और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, दैट विल बी फोर. तो ये नंबर्स क्या है हमारे, ये तो नेगेटिव है, और नेगेटिव का क्या करा मैंने, स्क्वायर रूट करा, तो वो मेरे पास क्या आ गया, नेचुरल नंबर. तो हम इससे ये कह सकते हैं कि दिस कंडीशन इज फॉल्स बिकॉज नो नेगेटिव इंटीजर कैन बी अ स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर. Part where it is written every real number is an irrational number. हमारे जितने भी real numbers होते हैं वो irrational numbers होते हैं. तो हम एक example लेके देखते हैं. If I have a number 2/3, so 2/3 is a rational number. It is not an irrational number. So this condition is false. This is false because every real number is not an irrational number. Two is, are the square roots of all positive integers irrational? कि हमारे जितने भी square roots होते हैं positive integers के, वो हमारे irrational ही होते हैं? And if not, अगर ऐसा नहीं है तो हमें एक example भी देना है square root का of a number that is a rational number. कि अगर मैं उसका square root करूं तो मेरे पास वो एक rational number आ जाए. तो अगर example है root 4 का, if I have a number root 4, इसका square root करने के बाद मेरे पास क्या आता है, 2, so that is a rational number. तो ये हमारी condition क्या हो गई, एक तरीके से false हो गई कि हमारे जितने भी square roots होते हैं positive integers के वो हमारे irrational नहीं होते, वो हमारे rational भी हो सकते हैं. So this is the solution. Moving forward to question number 3, that is show how root 5 can be represented on the number line. हम root 5 को कैसे represent करेंगे number line पे. अभी मैंने आपको रूट टू का सिखाया था, अब मैं रूट फाइव का सिखा रही हूँ. तो इसमें हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे हमें क्रिएट करना होगा एक राइट एंगल ट्राइंगल. सो राइट एंगल ट्राइंगल को क्रिएट करने के लिए, इफ दिस इज माय राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ए सी इज अ हाइपोटेनस, ए बी इज अ परपेंडिकुलर एंड बी सी इज अ बेस. सो ए सी इज एच, ए बी इज ए एंड बी सी इज बी. एंड पाइथागोरस थ्योरम इज एच स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. सो दिस इज पाइथागोरस थ्योरम. अब मुझे रूट फाइव को ब्रेक करना है पाइथागोरस थ्योरम, मतलब मुझे हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो वो कैसे करेंगे, अगर मुझे एच स्क्वायर चाहिए पहले तो मैं इसको ब्रेक कर सकती हूँ टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर. सो ये हो जाएगा टू टू जब फोर, एंड वन का स्क्वायर कितना होता है हमारा 1, so 4 plus 1 is 5. So अगर मुझे यहाँ पे h की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट. सो इट विल बिकम h इज इक्वल टू रूट 5. नाउ हियर द वैल्यू ऑफ a इज 1 एंड b इज 2. नाउ आई विल मेक द राइट एंगल ट्राइंगल ऑन द नंबर लाइन. अब एक मैं एक नंबर लाइन क्रिएट कर रही हूँ एंड सेंटर इज 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4. अब मेरा a की वैल्यू क्या है 1 एंड b की है 2. b इज अ बेस, तो अब मैं बेस पे क्या क्रिएट करूंगी, 0 से लेके 2 तक, ये हो गया हमारा बेस, दैट इज 2. 1 सेंटीमीटर की आप विद द हेल्प ऑफ स्केल से लगा लें, ये हो गया आपका 1. Now you will join this point 0 with this point. अब आपने इसे join कर दिया तो हो गया आपका root 5 and points are A, B, C. With the help of compass, अब आपको 0 से open करना है अपने compass को and यहाँ पे A पे arc लगा देनी है
और वो कहाँ पे मीट करे, इंटरसेक्ट करे आपकी नंबर लाइन को. सो दिस पॉइंट इज रूट फाइव. सो दिस इज द मेथड टू क्रिएट अ नंबर लाइन ऑफ रूट फाइव. इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द एक्सरसाइज सो प्लीज कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स. सो डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल यूनिस्मार्ट ट्यूटोरियल्स.